बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है व्लॉग डे। मैंने पिछले बार अपने पार्टनर का बर्थडे व्लॉग भी शूट किया था, तो ऑब्वियसली मेरे को अपना बर्थडे व्लॉग भी तो शूट करना है। तो आज नहीं है, मतलब 24 जुलाई को है एक तरह से मेरा बर्थडे। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक जा चुका होगा मेरा बर्थडे। 23 जुलाई और अभी हो रहा है 9:55, तो ऑब्वियसली 12 बजे के बाद मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू व्लॉग दिस डे, ये क्या हुआ कैसे हुआ, सो स्टे ट्यून्ड। मेरा बर्थडे नहीं, बर्थडे है क्या है, जैसे बर्थडे होता है उसके दो तीन दिन पहले इतनी नर्वस होने लग जाती हूँ मैं, जैसे पहले मेरी शादी का दिन हो उस दिन, पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत नर्वसनेस ही होने लगती है, एकदम अजीब से मूड स्विंग्स टाइप होने लगता है। बर्थडे वाले दिन यार अपन ही है रानी, अपन ही है जो है, तो पता नहीं क्या हो जाता है यार। तो 10 मिनट बचे हैं मेरे बर्थडे के लिए, और बाहर आने के लिए मेरे को मना कर दिया, लिविंग रूम में आने की एकदम परमिशन नहीं है मेरे को, नो एंट्री। मुझे पता है बाहर क्या हो रहा है यार, इतना तो मेरे को भी पता ही है ऑब्वियसली। में 10 मिनट है। इसको क्यों मिलाया? ओके गाइस, तो आज है 24 जुलाई, ऑफिशियली आज मेरा हो चुका है बर्थडे। सुबह से कभी इधर कभी उधर ही हो रही हूँ मैं। आज दिन में थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने गई थी, अब घर पे हूँ। गर्मी में बाहर बंदा जाए तो जाएगा, है ना मम्मी? मम्मी में मेरे साथ है इस बात में। आई फ्लू चल रहा है, आपको पता है कितने ज़्यादा आई इन्फेक्शन हो रखा है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई को भी आई इन्फेक्शन हो गया है, उसको भी चश्मा लगा के रखना पड़ रहा है, काला काला चश्मा। ये देखो काला चश्मा लगाया हुआ। रहे हैं दिन के 2 बजे, 2 बज रहे हैं, और अभी मम्मी जो एक साल में एक ही बार मेरे बर्थडे पे जो चीज़ बनती है वो है मलाई का पराठा। मुझे मलाई का पराठा बहुत पसंद है, बट मैं वो सिर्फ अपने बर्थडे पे खाती हूँ, क्योंकि इतने टाइम के बाद खाओ तो एक एंजॉयमेंट मिलता है ना, खाने का एक मज़ा आता है यार। हाँ ये है मेरा मलाई का पराठा और पनीर की सब्जी, मैंने खा लिया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था भाई साहब मलाई का पराठा। वही है ना यार, एक साल में एक बार खाओ तो चीज़ अच्छी लगती है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है मलाई का पराठा। तो खाना वाना हो गया, पता नहीं क्या हुआ, खाना खा के मेरे को इतनी जोर की नींद आने लग गई, ऐसा नहीं क्या हो गया, एक तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मेरे को रात को नींद नहीं आई। मैं 3 बजे रात को सोई, 7:30 बजे सुबह उठ गई, और अभी भी इतनी तेज नींद आ रही है। अब तो सोचो 1 घंटा सो जाती हूँ, उसके बाद फिर रात को बहुत काम है भाई साहब। थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, उसके बाद शाम को होंगे तैयार, थोड़ा सा करेंगे सेलिब्रेट, जाएंगे थोड़ा सा बाहर। तो सो के मैं उठ गई हूँ, मैंने सोचा शाम को मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी लंच हो गया और हैवी डिनर भी हो जाएगा। तो अब हम होंगे रेडी, 6:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, और हमारी रिजर्वेशन भी है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी से रेडी होंगे, फिर आपको अपना लुक दिखाएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। मम्मी को मना किया था कि डेकोरेशन मत करना, सिर्फ हैप्पी बर्थडे का एक बैनर है वो लगा देना, पर वो बिल्कुल नहीं मानती है मेरी बात। इतने सारे बैलून फुला के रखे हैं, अभी बैलून लगा देंगे बाहर, और क्या करूँ। मैं कह रही कि मेरे को जैसे कल हर्ष आया था, कल मेरा पार्टनर आया था रात को 12 बजे केक काटने, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। वो हर साल ऑलमोस्ट आता है, हर साल ही आता है, मतलब केक वेक काटने। तो उसने कल मेरे को गिफ्ट भी दिया था, उसने मेरे को शूज़ गिफ्ट किए थे। गिफ्ट्स पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि जितने मुझे गिफ्ट्स मिले क्या क्या मिला, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को मिल चुकी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगी। तो ये है बर्थडे डेकोरेशन और ये सारे गिफ्ट्स एंड केक। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अपना इन्होंने ड्रेसअप कर लिया है, केक भी काट लिया है, गिफ्ट भी खोल लिया। गिफ्ट तो बहुत प्यारे प्यारे दिए हैं मम्मी पापा मेरे भाई ने। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, एंड या चलते हैं। फाइनल आउटकम, ये ड्रेस है जो मैंने मिंत्रा से ली है, एंड ये सैंडल्स तो मैं सरोजिनी नगर से लेके आई थी। तो हम आ चुके हैं सुभाष नगर पैसिफिक मॉल में, यहीं पर हम आज डिनर करेंगे। ये है कासल बारबेक्यू जो पैसिफिक मॉल के टॉप फ्लोर पर है, और बहुत ही प्यारा है।
ये रहा हमारा बारबेक्यू एंड ये मैंने डिनर में लिया है वेज बिरयानी मटन एंड बटर चिकन। ऑब्वियसली बर्थडे वाले दिन आइसक्रीम तो बनती है। हाय गाइस, सो इट्स 25 जुलाई एंड कल रात को मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई, पता नहीं क्या हुआ। मैं घर आई, मैंने कपड़े चेंज करे और मैं सो गई। मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, मुझे नींद आ रही थी शायद। बट मेरे को सुबह हो गया पता लगा कि जो मेरी आंखों में पेन हो रहा था वो इसलिए होता क्योंकि मेरे को भी आई इन्फेक्शन हो गया है। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत कॉमन हो चुका है कि आई इन्फेक्शन सबको होता जा रहा है, काफ़ी इससे मेरे जानकार मेरे रिश्तेदारों में सबको हो रहा है। तो आप भी अपना ध्यान रखो, उसमें आप हाथ धोते रहो, आईज वॉश करते रहो ताकि आप इससे प्रोटेक्टेड रहो और एक दो दिन में ठीक हो जाएगा ऑलमोस्ट। आई होप मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड या ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।